हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। 10th क्लास का जो रिजल्ट है स्कूटनी वाले सभी का रिजल्ट अब आने वाला है, क्योंकि 19 जून से एडमिशन भी चालू होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान न्यूज खबर है, BSEB बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021 को लास्ट तक जारी होगा, क्योंकि आप इसमें जान सकते हैं मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा और 19 जून से स्टार्ट होने वाला है एडमिशन। स्कूटनी का 10th का जो है सारा यानी कि मूल्यांकन समाप्त हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSEB बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021 बिहार बोर्ड मैट्रिक स्कूटनी के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों का अब जल्द ही उनके रिजल्ट मिल जाएंगे। बोर्ड की माने तो 17 जून के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी 17 जून के बाद जो आपका रिजल्ट किसी भी समय जारी कर सकता है। 17 जून के बाद किसी भी समय आपका रिजल्ट जारी कर सकता है। जाने यहाँ पे मंगलवार यानी 15 जून को स्कूटनी कार्य समाप्त हो गया, यानी कि 15 तारीख को जो है कॉपी मूल्यांकन समाप्त हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड ने ये जो है मूल्यांकन की पूर्ण परीक्षण प्रतिवेदन को भेजने को निर्देश दिया है, यानी पूर्ण परीक्षण प्रतिवेदन हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में भेजना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर एडमिशन के लिए 19 जून से करें आवेदन। बिहार बोर्ड ने सरकारी गैर सरकारी उच्च माध्यमिक इंटर कॉलेज और गैर सरकारी डिग्री कॉलेज और अभिअंगीभूत डिग्री कॉलेज में इंटर दाखिला, यानी कि सभी कॉलेज में जो है 19 जून से सभी का एडमिशन चालू हो जाएगा। सभी कॉलेज में आप यहां पे जा कर के अगर सारा जानकारी लेना चाहते तो गूगल पे जा कर के आप सर्च करें www.bofssbihar.in पर जा कर के अपना सारा आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप आवेदन मोबाइल से करना चाहते तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें आपको कैसे कमेंट यानी कि आपको कैसे आवेदन करना है अपने मोबाइल से, ठीक है, वो FSS बिहार बोर्ड पे तो हमें कमेंट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नंबर भी दिया, बोर्ड हेल्पलाइन नंबर दिया है यहाँ पे, आप इसको नोट भी करके सारा जानकारी यहाँ से जान सकते हैं। तो